नमस्कारम, वेलकम टू शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। दिस इज माय यूट्यूब चैनल और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक इंडियन कल्चर और मेडिटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप आज तक प्रैक्टिस करते हुए भी आए हैं बट आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से उनको करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ईशा क्रिया का रिव्यू किया था और मैंने उसके एडवांटेज वगैरह सब कुछ आपको बताए थे। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी और आप लोग वो प्रैक्टिस अभी भी कर रहे होंगे, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको उससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ओम चैंटिंग या फिर ओम चैंटिंग, सबसे पहली बात तो मैं आपको ही बता दूं, हम लोग बचपन से हमने पंडितों को देखा, कुछ भी आप करते हो या जब भी आप हिंदू धर्म की बात करते हो तो उसमें वो आपको कहते हैं कि ओम शब्द की उत्पत्ति से ही सारे सारी सारे ब्रह्मांड का क्रिएशन या ये ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, ओम ओम शब्द ही सबसे पहले ओमकार, एक ओमकार ही बोलते हैं ना सब हर कोई। तो ये अगर आप ओम का संधि विच्छेद करके देखोगे तो आ उ और उ, ये तीन शब्दों से मिलकर ओम बनता है। बट जब आप इसकी चैंटिंग करेंगे तो ये जो चैंटिंग है ये ओम नहीं बोलोगे आप, इसको फिर आम बोलोगे। वो हम देखेंगे किस तरीके से होगा। मैं आप इसके इसके लिए आपके साथ एक वीडियो शेयर भी कर दूंगा जिसमें जिसमें बताया गया है किस तरीके से आम चैंटिंग करनी है। मैं आपको इसका एक जब आप चैंट को करोगे तो कहाँ कहाँ वाइब्रेशन आती है वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप ओम करोगे और जब आम करोगे तो इससे आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप ओम बोलते हो तो इट डज नॉट क्रिएट द वाइब्रेशन इट शुड क्रिएट। ठीक है, इसीलिए हम आम इसको चैंट करते हैं। तो चलते हैं फिर, हाउ टू डू इट हमें ये देखना है। तो अटर कैसे करना है या चैंट कैसे करनी है, जो ओम है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है जैसे मैंने आपको बताया आ उ और उ। तो जब आप आ बोलते हैं, अगर आप अपना माउथ थोड़ा ज्यादा खोलेंगे तो आ करोगे, जब आ ऐसे बोलोगे तो आपकी जो नेवल है उसके हल्का से नीचे आपको वाइब्रेशन फील होंगे, नाभि के नीचे हल्की सी वाइब्रेशन, आपको नाभि से हल्का सा नीचे आपको वाइब्रेशन फील होने वाली है। तो ये जो जहां पर आपको वाइब्रेशन फील होंगी उसको हम बोलते हैं मणिपुर्णिका चक्र। ठीक है, अब ऊ जो साउंड होता है, जब आप ऊ करोगे तो आपका जहां पर रिब केज मिल रहा है, या फिर आप ऐसे करके देख सकते हो, हाथ ऐसे आप चेस्ट पे अपने हाथ ऐसे करके करते हुए जाओगे, ऊपर से ऐसे नीचे लेकर जाना मारते हुए, तो आपको एक सॉफ्ट स्पॉट मिलेगा। ये जो सॉफ्ट स्पॉट है इसको योगिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अनाहत चक्र। जब आप ऊ का उच्चारण करते हो, ऊ साउंड को चैंट करते हो तो आपके अनाहत पर वाइब्रेशन आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके वाइब्रेशन अनाहत पर नहीं आ रहे हैं, सोलर प्लेक्सस, इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वहां पर आपका साउंड नहीं, वाइब्रेशन नहीं फील हो रहे हो तो आप कुछ गलती कर रहे हो। और फिर जब आप करते हो ये भ्रामरी आप सबने किया होगा, जनरली आपने बाबा रामदेव को करते देखा होगा, तब जब करते हो तो ये जो रीजन है यहां पर आपको वाइब्रेशन फील होने वाली है। तो ये जो तीन चक्राज है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों एनर्जीज को आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, जो भी ये साउंड्स है इनका अटरेंस। ठीक है, आ उ अरुण। ठीक है, महेश का मतलब है ये, इसका मतलब है डिस्ट्रॉयर, यहां से आप संचालन करते हैं और नीचे जहां पर पेट है वहां पर क्रिएशन होता है। ओके, हर एक चीज का, आपकी जब नाभि, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपनी नाभि के थ्रू अपनी माता श्री से जुड़ा हुआ होता है, तो वहीं से इसका भरण पोषण होता है। ठीक है, तो ये तीन चक्र है, मणिपुर्णिका, अनाहत और विशुद्धि। तो अगर कुछ किसी चक्रा को बोलने में गलती हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीन जगह वाइब्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, तीन जगह ये वाइब्रेशन आनी चाहिए, ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जब क्रिएट होंगी तो आपकी बॉडी के अंदर हमारी तीन तरीके की मेनली बॉडी होती है, मेंटल, फिजिकल और एनर्जी बॉडी। तो ये एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी साउंड का अटरेंस किया जाता है। हमारे घरों में
बहुत ही खास ध्यान दिया जाता था कि बच्चों का नामकरण किस तरीके से करना है, उसके पीछे का भी एक साइंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा डिटेल में साइंटिफिकली प्रूव नहीं करनी है चीजें, बट उसका फायदा क्या है, क्या इफेक्ट है उसके किसी इंसान के ऊपर, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आ उ और उ, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, और अब आपको इसको करना किस तरीके से, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से आम चैंटिंग करनी है। लेकिन फिर भी एक इस वीडियो में अगर मैं बता ही रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। जब आप आम चैंटिंग करोगे तो आप पहले ऐसे मुंह खोलोगे, आ आ ठीक है, पहले आप मुंह ऐसे खोलोगे आ, फिर आपको बस मुंह बंद करते हुए जाना है, अपने आप वो ऊ बन जाएगा और अपने आप न बन जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस के बाद आप इसको सही से कर पाएंगे। ओके, मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा वहां पर, जो मैं वीडियो शेयर करूंगा उस वीडियो को आप देखेंगे और उसके साथ साथ ही आप चैंटिंग करिएगा, ठीक है। वो मेरी वीडियो नहीं है, सदगुरु ने बताया किस तरीके से आम चैंटिंग करनी है, आप उधर जाके देखिएगा, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या क्या है आम चैंटिंग के, देखो जितनी भी मैं ये चीजें आपके सामने बता रहा हूँ, ये सारी मेरी एक्सपीरियंस, और ये मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूँ डेली बेसिस पर। 3 साल होने को आया कि मैं सारी चीजें प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूँ। डेली बेसिस पर मैं ओम चैंटिंग करता हूँ, शांभवी महामुद्रा होती है उसमें ओम चैंटिंग भी हम किया करते हैं। ओके, तो बेनिफिट्स क्या क्या है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मतलब ये कल्चर हो गया है, अरे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। थोड़ा थोड़ा पहले गुस्सा वगैरह मुझे भी आता था, मतलब अगर मेरे दोस्त कहते थे मेरे को एंग्री यंग, क्या बोलते हैं उसको, अमिताभ बच्चन का था कुछ, अमिताभ बच्चन को बोलते थे एंग्री यंग मैन कुछ ऐसा था, तो मेरे को भी ऐसे ही वर्ड दिया गया था, मैं गुस्सा हो जाता था बहुत ज्यादा। अब चाहे तुम मुझे, मतलब अब शब्द बोल के चले जाओ, कुछ भी बोल के चले जाओ, हाँ तब तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पहले तो मैं बहुत सारी चीजों पे, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते, मैं इन चीजों पे गुस्सा हो जाता था, बट अब मेरे को गुस्सा आता ही, मतलब वो क्रिएट ही नहीं हो रहा, अंदर से नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें का इफेक्ट कुछ हद तक मेरी बॉडी पर रहा है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इंक्रीज्ड स्लीप क्वालिटी। मतलब पहले अगर आपको बेकार सपने आ रहे हो, मतलब आपका दिमाग सोते हुए भी चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, मतलब सपने आए जा रहे हैं, तो ये आपका उसमें फायदा करेगा। और एनर्जी एक्टिवेशन मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के, हमारे यहाँ जितनी भी योगिक प्रैक्टिस करी जाती है, या आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इनका मकसद एक ही है कि ये आपकी एनर्जी बॉडी पर डायरेक्टली काम करे। एनर्जी बॉडी पर अगर आपकी काम होगा, तो वो जो एनर्जी बॉडी पर काम होता है उसका फायदा ये होता है कि आपकी फिजिकल और मेंटल जो बॉडी है ये दोनों फ्लरिश करती है, ठीक है, एनर्जी बॉडी पर काम हो रहा है तो इससे बहुत फायदा होता है। एनर्जी एक्टिवेट ही करनी है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई है ना, तो आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा और आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये तो रहे इसके बेनिफिट्स। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि कितने बार हमें ओम चैंटिंग करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए, तो 21, मिनिमम 21 बार आप करें, वैसे 12 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, और 21 के मल्टीपल में आप कर सकते हो। और 21 21 बार अगर आप ओम चैंटिंग करते हो तो 6 से 7 मिनट के बीच में ये हो जाता है, तो आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। 6 मिनट कहीं पर भी बैठे हो, खाना खाया है या खाना नहीं खाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने वाले हो या सोकर उठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी है तुम्हारी तब हम आम चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने खाना खाया है या नहीं खाया, बट अगर तुम भरे हुए पेट ये चीज करोगे तो तुम्हारे पेट में थोड़ी एसिडिटी वगैरह, तुमको हलचल थोड़ी महसूस होने लगेगी, क्योंकि जब एनर्जीज उठती है तो उन्हें उठने के लिए रास्ता साफ चाहिए होता है, अगर रास्ता भरा हुआ होगा तो एनर्जीज उठने में दिक्कत होगी और वो एनर्जीज दूसरे अलग अलग जगह डिसिपेट होने लगेंगी, उस वो आपको मालूम भी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर आप किसी भी पूजा पाठ अगर आप कर भी रहे हो ना, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आता है और आपकी बॉडी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करे, इसलिए आप अपनी बॉडी को खाली भी रखना चाहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, और मैं यहाँ पर कोई पिन पॉइंटेड कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ, एक ओवरऑल और एक जनरल फायदा बता रहा हूं, तो कोई ये ना सोचे कि ये
कुछ चीजें गलत बोल रहा है। ओके, अगर आपको डिस्कशन करना हो, ऐसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजों में क्लैरिटी नहीं दे रहा हूं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हैव अ डिस्कशन, हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल इंसान है, बीटेक एमटेक एनआईटी से किया हुआ है, सो इफ यू वांट टू टॉक वी कैन टॉक टेक्निकली। ओके, बट हम एक जनरल लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके फायदे क्या है ये बता रहा हूँ आपको। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी बात करनी होगी तो वी कैन टॉक ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, बट हमें पता है अगर हम खाना खाएं, अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी पर अच्छा फायदा होगा। इतना ही, कोई किसी के साइंटिस्ट को आके हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें खुद पता है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, दूध पिएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, ये बताने की जरूरत नहीं। कोका कोला पियोगे, तुम्हें कोका कोला पीने के 3 4 दिन बाद ही पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारी बॉडी से इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इतना तो हम सबको पता है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है वो हमारी बॉडी है। इसके ऊपर ही हम बचपन से लेकर आज तक एक्सपेरिमेंट करते हुए आए हैं। खाना किस तरीके का खाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी अच्छी रहती है, नहीं करते तो आपकी बॉडी में लेथार्जी आती है। तो ओम चैंटिंग के फायदे ये है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब आपका पेट थोड़ा बहुत खाली हो आप इसको तब करिएगा। वैसे तो मैं खाना खा के भी कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको अच्छा फायदा चाहिए तो खाली पेट करिएगा, बहुत बहुत ही मजा आता है ये चीज करके। ओम चैंटिंग करने के बाद एक अलग सा फील ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, मैंने जैसे पहले भी बताया है, हम लोग हर कोई, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में शिव से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और हर कोई ओम नमः शिवाय का चैंट करना चाहता है। मैं भी उनमें से था, मैं तो माला करता था, माला लेके आया हुआ था मैं, और 108 216 इस तरीके से मैं ओम नमः शिवाय का जप किया करता था। बट आपको पता ही नहीं है किस तरीके से करना है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं किस तरीके से करना है, तो जब तक ये नहीं पता किस तरीके से करना है तो करके कोई फायदा नहीं है। तो ओम चैंटिंग, ओम नमः शिवाय किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो भी शेयर होगी, आप उस वीडियो के साथ, उस ऑडियो के साथ आपको ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है। इसको करा कैसे जाता है, ओम नमः शिवाय। अभी खाली करना नहीं आना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है ये सारा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हुई है। ठीक है, बहुत टाइम बाद, 3 4 साल के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ एक्सपीरियंस करने के बाद, तो आप जरूर वो वीडियोस देखेगा, और बहुत सारी रिसर्च भी करी हुई है। आपको एक जगह इतनी सारी चीजें नहीं मिलने वाली जितनी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है आप लोगों का, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे लोग हैं, तो ये जरूर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर दिन में 1 या 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। जिन लोगों को, जो लोग करना चाहते हैं ये चीजें, मेडिटेशन वगैरह में आना चाहते हैं, आप उन लोगों तक जरूर मेरी वीडियोस पहुंचाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत टाइम के बाद ये चीजें मेरे को मिली है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। और मेरे को सही पाथ नहीं मालूम था, बट अब मेरे को सही पाथ पता चल चुका है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जो और लोग हैं उन तक भी वीडियोस आती रहे। और आप लिटरली, अगर आपको शिव से रिलेटेड कोई साधना करनी है तो मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ कि आपको कहाँ जाकर ये साधना करनी चाहिए। शिवांगा साधना के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और वो साधना भी मैं लेटेस्ट कर चुका हूँ, 42 डेज की साधना होती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी और चाहिए तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, और शिव से जुड़ने के लिए अगर आपको कुछ भी चीज करनी है तो मैं आपको उसके उस तरफ बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओम नमः शिवाय चैंट के रिव्यू के लिए। टिल देन नमस्कारम, धन्यवाद।